नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बेगिंस। एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी सारी वेटिंग लोग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है और सबको ये इस बात का डाउट भी है कि क्या कटअप जाएगा। डेफिनेटली टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है और सिर्फ इंतजार है तो एनटीपीसी के कटअप का। आपको पता होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि एनटीपीसी की जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो लेवल वाइज आएंगे, यानी कि लेवल 6 का पहले, फिर लेवल 5, फिर 3 और 2 ऐसे करके आएंगे। उसमें भी टाइपिंग पोस्ट जो होंगे उनके पहले दिए जाएंगे और नॉन टाइपिंग टेस्ट के बाद में दिए जाएंगे। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की क्या रिजल्ट होगी इसके ऊपर काफ़ी सारी डाउट्स है लोगों के मन में, तो उस डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पर। काफ़ी ही अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया है लेवल 5 और लेवल 2 में जितने भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनके स्कोर को लेकर के, और जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे एक काफ़ी ही दिलचस्प रिजल्ट निकल गया, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं नॉन टाइपिंग जो पोस्ट हैं उनकी जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकती है। और ये जो एनालिसिस है मैं 99% सटीक बता सकता हूँ बिकॉज ऑफ कि कुछ डेटा जो होंगे वो मे बी इधर उधर या फिर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 100% ऐसा करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो आप मान के चल सकते हो कि उसके आसपास की अगर आपकी रैंकिंग है तो आप उस लेवल में क्वालिफाई कर जाओगे। लेवल 5 और लेवल 2 दोनों का अलग अलग मैंने कट ऑफ बताया यहाँ पे, तो एट द लास्ट आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा किए गए एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी आरआरबीज हैं, जिस भी आरआरबीज के लिए आप मुझे कमेंट करोगे डेफिनेटली उस आरआरबी का, क्योंकि कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है कि नहीं। अभी मैंने यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद का लेकर के आया हूँ कट ऑफ, आप देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और कहीं ना कहीं कट ऑफ के लिए एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करने होते हैं और टाइम लगता है। तो जिस आरआरबी के लिए आप रिकमेंड करें वो डेफिनेटली उस आरआरबी का मैं कट ऑफ यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो जरूर आप लाइक करिएगा क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत इसमें लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर आरआरबी इलाहाबाद की बात करूँ तो इस बार जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद के लिए काफ़ी हाई गई थी नॉन टाइपिंग पोस्ट में। आपने देखा था 82 समथिंग गया था जनरल का और 81 गया था ओबीसी का और इसके आसपास में एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का भी कटअप था। तो देखिए टोटल टाइपिंग पोस्ट की अगर हम बात करें इलाहाबाद में तो ये जो है यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप ये दोनों ही क्या है लेवल 5 की है, ठीक है। जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में 170 पोस्ट है और सीनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में 266 पोस्ट यहाँ पे लेवल 5 में है। लेवल 2 की बात करें तो 28 जो पोस्ट है वो अकाउंट क्लर्क टाइम कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 548। तो ये तो है टाइपिंग पोस्ट। वहीं अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद में काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बाकी जोन से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और भी जोन में ज़्यादा हैं बट यहाँ पर कंपेरेटिवली ठीक ठाक यहाँ पे पोस्ट है नॉन टाइपिंग पोस्ट में, कहीं ना कहीं टाइपिंग पोस्ट वाले से भी ज़्यादा है। दूसरे जोन में अगर देखा जाए जैसे अगर हम बात करें गोरखपुर की तो वहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसी कम है कंपेरेटिवली टाइपिंग पोस्ट की। तो ऐसा अलग अलग जोन में अलग अलग क्राइटेरिया है, इसलिए उनका कट ऑफ भी वेरीज करेगा अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर इलाहाबाद में देखिए 3019 टोटल वैकेंसीज हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट में, जिसमें अगर हम सिर्फ लेवल 5 और लेवल 2 को यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, लेवल 5 में 2151 और लेवल 2 में 83 जो पोस्ट हैं वो नॉन टाइपिंग पोस्ट की हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कट ऑफ था वो लेवल 5 का गया हुआ था और उसके ऊपर एनालिसिस हम करेंगे। तो देखिए लेवल 5 में जो कट ऑफ है टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कॉल किया गया था, ये मैं दिखाने का मेरा मकसद क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही लेवल 5 और लेवल 2 में आपने कट ऑफ देखा है कि टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट थे उनको इतने नंबर से अधिक जिनको था उनको बुलाया गया था, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इस टाइपिंग टेस्ट के लिए लेवल 5 और लेवल 2 में से कुल 10,621 कैंडिडेट को बुलाया गया था। लेवल 5 में 5,729 और लेवल 2 में 4,892। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5,729 जो कैंडिडेट हैं लेवल 5 में उनके जो नंबर हैं अपने अपने कैटेगरी में इन नंबर से कहीं ना कहीं अधिक होंगे,
अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन सभी के नंबर 82 से अधिक होंगे। तो हम अगर ये मानकर चले कि इन सभी जोनों में जो अवेलेबल कैंडिडेट है लेवल 5 में वो कुल 5,729 है और ये एक यूनिक डाटा है जैसा कि आरआरबी ने ऑलरेडी बोल रखा है। वहीं अगर हम लेवल 2 में बात करें तो अवेलेबल जो कैंडिडेट हैं वो 4,892 हैं लेवल 2 में, जिनके कट ऑफ जिनके मार्क्स जो हैं वो 80-81 अपने अपने कैटेगरीज में, ईडब्ल्यूएस में 76, एसटी में 64, इससे कहीं ना कहीं अधिक है। ठीक है, तो अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ की भी बात करें, अब देखो ये जो कैंडिडेट के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है इनके नंबर अधिक है तो इसी में से टाइपिंग पोस्ट वाले जो पोस्ट होगी उसके लिए भी इसी में से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जिनके नंबर अधिक होंगे उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लेवल 5 की जो टाइप नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो कुल 2,151 है और लेवल 2 में 83 है। अब क्योंकि लेवल 2 में देखो यहाँ पर 83 पोस्ट है और लेवल 5 में 2,151 है, तो इनका भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन सभी चीजों को मैं कोरिलेट करूंगा, आप बस ध्यान से सुनते जाइए चीजों को और समझने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ पर किस तरीके से इन चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे ये पता चला कि लेवल 5 में जो अवेलेबल कैंडिडेट है वो 5,729 है जिनके लिए पोस्ट सिर्फ 2,151 है। वहीं लेवल 2 में अवेलेबल कैंडिडेट 4,892 है जिनके लिए पोस्ट सिर्फ 83 है। इससे अब हम चेक करने वाले हैं कि जो कैंडिडेट, क्योंकि आरआरबी ने बोला था कि लेवल 5 और लेवल 2 का अलग अलग यहां पर रिजल्ट आएगा और ये कैंडिडेट यूनिक हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को अब यहां से सेपरेट लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो लेवल 5 में देखिए आप, अगर हम बात करें टाइपिंग पोस्ट की तो आप देख सकते हो कि लेवल 5 में जो कुल टाइपिंग पोस्ट है वो 436 है। कुल अवेलेबल जो कैंडिडेट थे टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाए गए थे 5,729, तो इसी 5,729 में से जो 436 जो होंगे वो टाइपिंग पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो बचेंगे 5,294 ये वही कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 82 से अधिक होंगे यूआर में, 81 से ओबीसी में, एससी में 71 से अधिक होंगे, ये वही कैंडिडेट होंगे ना जिनके नंबर इन सभी नंबरों से अधिक होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो अभी अवेलेबल जो कैंडिडेट होंगे आफ्टर टाइपिंग पोस्ट को हटाने के बाद 5,294 जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट पे फाइट कर रहे होंगे। अब देखो ये जो कैंडिडेट होंगे जो 5,729 कैंडिडेट हैं ये टाइपिंग में पास हुए या फेल हुए इससे अभी यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो चाहे पास हो चाहे फेल, अगर पास हो जाएंगे तो 436 में हो सकता है उनका हो जाए, और अगर नहीं भी पास हुए तो कोई बात नहीं, वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए तो अभी भी एलिजिबल है ही है। तो इस तरीके से ये 436 पोस्ट मैंने हटा दिया यहाँ से और अब जो हमारे पास जो अवेलेबल कैंडिडेट बचे हैं 5,294 बचे हैं टाइपिंग पोस्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब अगर हम इसे कंपेयर करें कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 गुना जो कैंडिडेट हैं वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके नंबर 82 से अधिक हैं। ठीक है, तो 2.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लेवल 5 में बच रहे हैं जिनके नंबर बढ़िया हैं और इन्हीं 2.5 गुना में से ही जो टाइपिंग पोस्ट से जो अधिक है 2.5 गुना यानी कि 5,294 में से ही 2,151 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात यहाँ पर। तो अगर 5,294 में से 2,151 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा तो या इसका मतलब ये हुआ कि 3,143 जो होंगे उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि वो कितना नीचे से यानी कि 82 से कितना नंबर आरआरबी को बढ़ाना होगा जिसकी वजह से वो 3,143 जो स्टूडेंट होंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो दूसरी जो चीजें हैं अनअवेलेबल कैंडिडेट या डिस्क्वालीफाइड फॉर अदर रीजन या फिर आप बोल सकते हो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में भी डिस्क्वालीफाई होंगे, बट ये सब बात की चीजें, पहले तो कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए और यहाँ पर आरआरबी ने ऑलरेडी बोला है कि वो 1 गुना ही कैंडिडेट को बुलाएगी यानी कि ज्यादा तो बुलाएंगे नहीं, अगर उन्हें बुलाना है तो 2,151 को ही बुलाएंगे। अगर उसमें कोई फेल होता है किसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन में मेडिकल में तो बाद में पैनल दिया जारी किया जाएगा, बट अभी हम सिर्फ इतना ही मानकर चलेंगे कि इतने ही कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा 2,151 कैंडिडेट को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 3,143 जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये तो हुई बात लेवल 5 की। अब अगर हम इसी तरीके से लेवल 2 की बात करें
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए लेवल टू में 4892 जो है कॉल किया गया था टाइपिंग पोस्ट के लिए, यानी कि ये 4892 वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर अपनी अपनी कैटेगरीज में इन सभी नंबर से अधिक हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट जो थी वो कुल 575 थी, और ऐसे निकालने के बाद, टाइपिंग पोस्ट को निकालने के बाद 4317 ऐसे कैंडिडेट बचेंगे जो लेवल टू में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये 4317 में से ही क्या होगा, 83 जो यहाँ पर पोस्ट है लेवल टू के, उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर लेवल टू में जो है वो बहुत ही कम नॉन टाइपिंग पोस्ट यहाँ पर बची हुई है, जिसकी वजह से अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 52 गुना कैंडिडेट अवेलेबल हैं। मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट पे 52 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं लेवल टू में, तो यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली लेवल फाइव के। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा सकता है कहीं ना कहीं लेवल फाइव में जो होगा मे बी नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो कट ऑफ है वो कम जा सकता है कंपेरेटिवली लेवल टू में, ठीक है। और भी क्रिटेरियाज हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्टली क्या होगा, आप लास्ट तक बिल्कुल देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये कैलकुलेशन की, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर फाइंड किया कि अगर जो यहाँ पर 4317 स्टूडेंट बचते हैं तो उसमें से 83 को सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर 4234 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर 4234 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, वहीं लेवल फाइव में 3143 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है। यहाँ पर एक और चीज देखना होगा कि ये जो डेटा था यूनिक था, और कुछ ऐसे लेवल फाइव के भी कैंडिडेट होंगे जो लेवल टू में क्वालिफाई कर रहे होंगे, अगर उनके मार्क काफी अच्छे हैं तो वो यहाँ भी फाइट कर रहे होंगे। तो अगर दोनों ही लेवल में अच्छे, अगर लेवल फाइव में हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो लेवल टू में तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उनको कैलकुलेट यहाँ पे नहीं किया है। और अगर वो होंगे भी तो बहुत मिनिमम होंगे, 100 या 200 के आसपास होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें मैंने यहाँ पर देखी। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ठीक है। अगर हम लेवल टू की बात करें तो देखा, अभी आपने देखा कि 4234 कैंडिडेट जो थे वो अवेलेबल हैं, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर 4234 कैंडिडेट हैं जो डिसक्वालिफाइड होंगे, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन इस वजह से आरआरबी को अपना कितना नंबर बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो 4234 कैंडिडेट को हटा सके, क्योंकि जो लेवल टू में 81 अगर कट ऑफ गई है तो इसका नंबर इंक्रीज करेंगे तभी तो ये कैंडिडेट बाहर होंगे, है ना। तो उन्हें 4234 कैंडिडेट को छाटना है, तो उस छाटने के लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देख रहे हैं। अब ये कंसंट्रेशन है क्या, मैं पहले वो समझा देता हूँ। देखिए 4234 कैंडिडेट अवेलेबल हैं जिनके नंबर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 81 से अधिक है, ठीक है, और अपने अपने ग्रुप में उसके नंबर से वो अधिक है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 120 मार्क्स का जो पेपर था उसमें जितना भी कैंडिडेट होंगे, अगर मैं इसमें मानू ये कि 81 से अधिक यानी 80 से अधिक, और हाईएस्ट जो गया होगा 120 में से किसी कैंडिडेट का वो 100 मार्क्स गया होगा, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। बहुत ही रेयर ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 100 से भी अधिक आए होंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो 4234 जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर कहीं ना कहीं 80 और 100 के बीच में वैरी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो डिफरेंस है वो कुल 20 मार्क्स का है। अब इस 20 मार्क्स के डिफरेंस को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ऐसे करने से हर एक मार्क्स पर, मतलब अगर मैं 80 से 81 के बीच में बात करूँ तो वहां पर लगभग 211 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। अब ये कैसे होंगे, हो सकता है किसी का मार्क्स जो है 80.2 हो, किसी का 80.3 हो, 4 हो, 80.235 हो, या 80.2 पर ही कम से कम 10 ऐसे कैंडिडेट हो, है ना, 81.4, 81.5, 81.6, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो एक ही नंबर के गैप में आ रहे होंगे। तो ये कंसंट्रेशन मैंने फाइंड करने की कोशिश की कि कितने कैंडिडेट अवेलेबल हो सकते हैं एक मार्क्स के गैप पर। तो यहाँ पर आ रहा है 211, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि 80 से अगर 100 के बीच में देखा जाए तो ये इक्वल नहीं रहने वाला है, कि 80 से 81 में भी 211 होंगे, 81 से 82 में भी 211 होंगे, और 99 से 100 के बीच में भी 211 होंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट करूंगा,
और इसमें इस नंबर्स को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो 80 के पास में जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वहीं 100 मार्क्स के पास में, यानी कि 90 से अगर ऊपर की बात करें तो 90 से 100 के बीच में जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो इन चीजों को भी हमें देखने की जरूरत होगी, तो उनको देखेंगे। इसके बाद अगर हम लेवल 5 में बात करें, तो लेवल 5 में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 3244 जो 3143 जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं लेवल 5 में। तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन मैंने इसी तरीके से फाइंड किया, तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन आया वो 157 आया है, जो कि लेवल 2 से कहीं ना कहीं कम हो रहा है यहाँ पर। अब इस तरीके से मैंने देखा कि अगर लेवल 5 में जो कंसंट्रेशन है 1 मार्क्स के बीच का वो 157 है, फिर भी मैं ये मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ गया है 82 नंबर यूआर का, 81 नंबर ओबीसी का, और अप्रोक्सीमेटली 78 मार्क्स गया है ईडब्ल्यूएस का, तो इसी के आसपास के जो कंसंट्रेशन होगा यहाँ पर काफी ज्यादा होगा ना। ज्यादातर नंबर, ज्यादातर जो कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 80 से 90 के बीच में होंगे, यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट होंगे, और 90 से ऊपर वाले में बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये समझ के चला कि अगर मैक्सिमम होंगे तो 300 और मिनिमम होंगे तो 200। ठीक है, मिनिमम होंगे तो 200 ये मान के चलता हूँ। इस मिनिमम क्राइटेरिया को और भी कम किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कम किया जा सकता, और इसको भी बढ़ाया जा सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली मैंने चीजों को बैलेंस करने के लिए ये कोशिश की है। तो मैं तो चल रहा हूँ कि मैक्सिमम 1 मार्क्स के बीच में, जैसे कि अगर हम बात करें तो 81 से 82 के बीच में मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे वो कम से कम, मतलब मैक्सिमम 300 होंगे और कम से कम 200 होंगे। तो इस तरीके से अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 3143 के बच्चों के बीच में, तो यहाँ पर आरआरबी को 10 मार्क्स बढ़ाना होगा, तब जा करके 3143 कैंडिडेट जो होंगे डिस्क्वालिफाई होंगे। वहीं अगर 200 बच्चे के लिए देखा जाए तो कम से कम 15 मार्क्स बढ़ाना होगा आरआरबी को, तब जा करके 3143 बच्चे को वो डिस्क्वालिफाई कर पाएंगे। तो क्योंकि टोटल 3143 को डिस्क्वालिफाई करना ही है, तो इस हिसाब से हम ये मान के चलेंगे कि लेवल 5 में कम से कम 10 से 15 मार्क्स आरआरबी को बढ़ाना होगा, तब जाकर के ये 3143 बच्चे डिस्क्वालिफाई होंगे, और बाकी के जो क्वालिफाइड करने के लिए जो 2151 जो पोस्ट है उस पे क्वालिफाई करेंगे जो इससे अधिक नंबर लेकर के आ रहे होंगे। वहीं हम अगर लेवल 2 की बात करें, तो लेवल 2 में भी मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहाँ पर मैंने 350 कंसंट्रेशन रखा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लेवल 2 में यहाँ पर कुल मिनिमम जो है वो 12 नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, वही मैक्सिमम जो होगा 16 नंबर इंक्रीज होगा। तो 12 से 16 नंबर जो है लेवल 2 में आपकी कैटेगरी में इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है, फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने इसको फाइंड किया है। अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज आप इसे अभी के अभी लाइक करिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो कट ऑफ होगा वो कितना जाएगा। तो देखिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपके सभी कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि लेवल 5 का जो कट ऑफ होगा यूआर कैटेगरी में, वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए 92 से 97 नंबर के बीच में हो सकता है, क्योंकि ये हाई ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, 3000 से अधिक जो कैंडिडेट है उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, और क्योंकि सिर्फ एक गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसलिए ये कट ऑफ इतना जा सकता है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें लेवल 5 में, तो 91 से 96 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 79 से 94 के बीच में रहेगा। वहीं एससी की बात करें तो 81 से 86, और एसटी की बात करें तो 77 से 82 नंबर के बीच में यहाँ पे रह सकता है। लेवल 2 की बात करें तो देखिए, लेवल 2 में जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं और उससे बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाला है, उसी के आसपास ये भी मॉडरेट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो काफी हाई और भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ जो अवेलेबल सीट्स है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो काफी कम है और अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा है। तो देखिए, लेवल 2 का जो कट ऑफ है वो 93 से 97 के बीच में रहेगा यूआर के लिए। वहीं ओबीसी का देखें तो 89 से 93 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा 88 से 92 के बीच में, एससी के लिए 82 से 86, और एसटी का जो है 76 से 80 के बीच में रह सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ है, जो कि प्रोबेबली जो है वो इतना मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, इसके अराउंड में अगर आपका नंबर है, 1-2 नंबर आगे पीछे भी है, जैसे 92 है आपका नंबर, तो अगर है तो भी आप अपने आप को यहाँ पे मान सकते हो।
ठीक है, वहीं लेवल टू में 93 के आसपास अगर आपका नंबर है तो अपने आपको मान सकते हो, बट श्योरिटी किसी भी चीज में नहीं। श्योरिटी अगर होना है तो आपको इन नंबर से कहीं ना कहीं अधिक होना ही होगा। अगर आपके नंबर यूआर में 92 से अधिक है तो अपने आपको श्योर समझ सकते हो, इससे बाहर बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगा बाहर, इससे ज्यादा तो बिल्कुल जाने की चांस नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज को काफी ही अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की है। तो इस कैटेगरीज में आपके नंबर फॉल कर रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझ सकते हो कि आपको जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा एनालिसिस है आरआरबी इलाहाबाद के लिए, मैंने यहाँ पर पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आप इसको जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बाकी का अगर और किसी भी आरआरबी के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपकी आरआरबी को लेकर के वीडियो बनाऊं यहाँ पर, तो कमेंट करिए और उस आरआरबी जिस आरआरबी के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस पर मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।